शासकीय पीजी कॉलेज में आयोजित हुआ जिला स्तरीय युवा सांसद उत्सव। इस कार्यक्रम में कॉलेज छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं अतिथियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया और कहा कि भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। वहीं छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। मैं भाषण देने के पहले थोड़ा कांपने लगता हूं, क्योंकि भाषण देना एक प्रशासक से अपेक्षा भी नहीं करी जाती और संभवतः मैं उतना बांध करके रखने वाला वक्ता भी नहीं हूं। इसलिए जो दो चार चीजें मेरे मन में आती हैं या मेरे कॉलेज लाइफ से जो चीजें को मैं रिलेट कर पाता हूं उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। युवा संसद का अर्थ यह है कि जब हम संसद की बात करते हैं तो वो जो एक गोलाकार जो इमारत है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है और उस लोकतंत्र की पंचायत का जो आशय है उद्देश्य है वो यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं और अब उन्हीं से पढ़ा निवेदन कि भाई माननीय कलेक्टर महोदय जो अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के पी अरोरा सर को स्मृति चिन्ह। माननीय श्री देवेंद्र गुप्ता जी पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आज के विशिष्ट अतिथि स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। इस युवा संसद की जूरी के सदस्य हमारे संयोजक बीच में हैं डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी, आपको प्राचार्य महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज आपका स्थान अलग है और आप